आज हम बनाएंगे फ्लावर समोसा। देखिए कितना अच्छा बनाए हैं और बहुत जल्दी भी बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोलतेस किचन में। चलिए शुरू करते हैं। समोसा बनाने के लिए पहले आटा गूंथ लेते हैं। एक कटोरी गेहूं का आटा और पाव कटोरी मैदा लेंगे, स्वादानुसार नमक और 2 टीस्पून तेल डालेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सख्त आटा गूंथ लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सख्त आटा गूंथ लिया है, अब इसे ढककर 15-20 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 5 आलू लिए थे मध्यम आकार के और इसे उबालकर ठंडा कर लिया है। इसके छिलके निकाल लिए, अब इसे कद्दूकस कर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, आमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ पर मसल कर डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, स्वादानुसार नमक। अब इसमें 3 चम्मच कॉर्न फ्लावर डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे और ढककर रख देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आटे को देख लेते हैं। आटे को एक बार और अच्छे से मसल कर अच्छा गूंथ लेंगे। इसकी 2 बड़ी लोई बना लेंगे। अब इसे 2 बड़ी रोटी के साइज की बेल लेंगे, दोनों एक साइज की बेलना है। देखिए इतनी मोटी रखी है मैंने, ज्यादा पतली नहीं और ज्यादा मोटी भी नहीं, दोनों रोटी एक जैसी बना लेंगे। अब एक रोटी लेंगे, उसके ऊपर हम आलू का मसाला लगा लेंगे। आलू में हमने कॉर्नफ्लावर डाला है, इससे हमारा तलते टाइम आलू बाहर नहीं निकलेगा। देखिए इस तरह से लगा लेंगे और उसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे और अच्छे से किनारे बंद कर लेंगे। इस तरह से किनारे अच्छे बंद कर लेंगे और थोड़ा सा और बेल लेंगे। अब इसमें कट लगाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इसका एक पीस उठाएंगे, इसके दोनों किनारे ऐसे बंद करेंगे और नीचे से भी दोनों किनारे ऐसे बंद करेंगे। देखिए कितना अच्छा शेप बना है, फ्लावर जैसा। इसको मैंने फ्लावर नाम दिया है, आप इसको क्या नाम दोगे ये मुझे बताना कमेंट करके। अब इसे तेल गरम करके तेल में तल लेंगे, धीमी आंच पर तलेंगे ताकि अच्छे से तल जाए। ये फ्लावर समोसा हमने बनाया तो घर में सबको अच्छा लगा और ये समोसा बच्चों को बहुत पसंद आएगा। देखिए कितना अच्छा बनाया है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। तो आप बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट कर कर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।